रीवा जिले में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ऐसी विधानसभा से शुरू हुई है जहां बीजेपी उम्मीदवारों के बीच गैंगवार की आशंका प्रबल होती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा की सेमरिया विधानसभा की, जो कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी का केंद्र बना हुआ है। इसी गुटबाजी के कारण दोनों पार्टियों को अभी तक कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। हर नेता की अपनी भीड़ और हर भीड़ का अपना नेता। आज के वीडियो में हम एक बार फिर सेमरिया विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। यहां होने वाले सियासी घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि गुटबाजी की राजनीति का जनता पर क्या असर होता है। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने सेमरिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो कुछ देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। असल में सेमरिया विधानसभा में सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में भी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। क्षेत्र के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी सत्ताधारी हैं, तो बीजेपी से पूर्व विधायक अभय मिश्रा विपक्ष में हैं। जनता 5 सालों से दोनों के बीच होने वाले टकराव को देख रही है। अभय मिश्रा का कांग्रेस में दम घुट रहा था, तो वे खुली हवा में सांस लेने के लिए बीजेपी में आ गए। आने से पहले उन्होंने सोचा था कि बीजेपी में डैशिंग एंट्री लेकर मैदान फतह कर लेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी के भीतर से ही जिस तरह चुनौती मिल रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि उन्होंने बीजेपी में लौटकर गलती कर दी। आप बेहतर समझते हैं कि अभय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आए थे। अभय भीतरघात के डर से कांग्रेस छोड़कर आए थे, लेकिन बीजेपी में आकर वे ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से निकल पाना उनके लिए आसान नहीं है। फर्ज कीजिए कि अभय को टिकट मिला तो क्या मौजूदा विधायक केपी त्रिपाठी उन्हें समर्थन देंगे, या केपी को टिकट मिला तो क्या अभय उनका समर्थन करेंगे? यह बड़ा सवाल है। तो अभय की समस्या जस की तस है। कांग्रेस में थे तो भीतरघात का डर था, अब बीजेपी में हैं तो यहां भी वही समस्या। दूसरी समस्या यह भी है कि दोनों में जिसे भी टिकट नहीं मिलेगा उसके राजनीतिक करियर पर विराम लगने की संभावना है, इसलिए लड़ना तो पड़ेगा। जन आशीर्वाद यात्रा में तो आपने देखा होगा कि विधायक केपी त्रिपाठी ने अभय को देखकर किस तरह रिएक्ट किया था। अभय केपी के गृह ग्राम में माला लेकर गृह मंत्री को पहनाने के जुगाड़ में थे, लेकिन केपी ने गाड़ी न रोकने का इशारा करके अभय को साफ संकेत दे दिया कि वे भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने दी जाएगी। हालांकि बाद में गृह मंत्री अभय के पंडाल में भी पहुंचे, लेकिन इस बीच एक नेता फिर गायब हो गए। केपी के पंडाल में हाथ हिलाने वाले जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गृह मंत्री से साफ कह दिया कि वे अभय के पंडाल में नहीं जाएंगे। नरोत्तम भी क्या करते, राजेंद्र अब मंत्री हैं
और नरोत्तम के बराबर उनका कद है। उनकी जगह सांसद जनार्दन मिश्रा पहुंचे, लेकिन वे भी चुपचाप बैठे रहे। सबको मालूम है कि अभय नरोत्तम के नजदीकी हैं और उन्हीं के मत्थे वे दोबारा सिमरिया में जमीन तलाश रहे, लेकिन गुटबाजी ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। तो सिमरिया बीजेपी में गुटबाजी का यह हाल है कि बीजेपी का एक नेता दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को आमादा है। सूत्र बताते हैं कि अलग थलग पड़ चुके अभय मिश्रा ने इस गुटबाजी की शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम से की है। शिकायत दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन चुनाव के मौके पर पार्टी सिर्फ समझाइश ही दे सकती है। अब समझिए कि दो की लड़ाई में किसे फायदा मिलेगा। जाहिर है किसी तीसरे को फायदा होगा, तो वह तीसरा कौन होगा? दोनों के बीच झगड़े को देखते हुए पार्टी टिकट में उलट फेर कर सकती है। जरा इस पंडाल को देखिए, यह सिमरिया के युवा नेता संजय द्विवेदी का पंडाल है। संजय क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और कई सालों से जमीन तैयार कर रहे हैं। संभव है कि अभय और केपी की तकरार को देखते हुए पार्टी संजय को मौका दे, लेकिन संजय की राह भी इतनी आसान नहीं होगी। संजय भले ही किसी गुट में नहीं है, लेकिन टिकट मिला तो बीजेपी के तमाम गुट उन्हें भी हराने की कोशिश करेंगे। तो फिर पार्टी को किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश करनी चाहिए जिसकी उम्मीदवारी से सारे गुटों को शांत किया जा सके। यदि गुटबाजी पर विराम नहीं लगा तो इसका सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। पंकज पटेल बीएसपी के घोषित प्रत्याशी हैं। 2013 में वे 30,000 मत पाकर दूसरे और 2018 में 38,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। बीजेपी की गुटबाजी का असली फायदा पंकज पटेल को मिल सकता है। रीवा बीजेपी की गुटबाजी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। विधायक रहेंगे फिर से केपी भाई, सिमरिया बोल रहा है, सिमरिया बोल रहा है। राज तिलक की करो तैयारी।